माँ बहन की गालियां बकते, हमने आज तक किसी से कुछ नहीं कहा। और अगर हम ऐसा करते तो आज भी और पहले भी हम गृह मंत्री थे, आधे लोगों की चाल बिगड़ जाती। चलने में समझ में आता कि कैसी व्यवस्था हुई। खुरई विधानसभा का जिस तेजी से विकास हो रहा है, उस विकास से खुरई के कांग्रेस के नेताओं को बहुत तकलीफ है। उनका बस नहीं चले, नहीं तो वो जेसीबी से सड़क उखाड़ दे। उनका बस चले तो किला गिरा दे। और एक नेताजी का हमने वीडियो पे भाषण देखा, वो अपील देखी, तो ऐसे लग रहा था कि जैसे शैतान साधु बन गया हो। जैसे शैतान साधु बनता ना भेष बदल के, ऐसा बन गया, वैसा लग रहा था। अरे भैया इस खुरई में हालत क्या। माँ बहन की गालियां बकते, हमने आज तक किसी से कुछ नहीं कहा। और अगर हम ऐसा करते तो आज भी और पहले भी हम गृह मंत्री थे, आधे लोगों की चाल बिगड़ जाती। चलने में समझ में आता कि कैसी व्यवस्था हुई। और इसलिए हम इसकी निंदा करते, हम गुंडागिर्दी से लड़ेंगे। और जो लोग सोच रहे हैं कि खुरई का विकास ना हो, खुरई का विकास रात दिन होगा। कांग्रेस के लोग कितने ही विरोध कर लें, उनको तकलीफ है। अरे गरीब का मकान क्यों बन गया? ये अगर बरसाती में रहता तो चुनाव में प्रलोभन दे के वोट ले लेते। गरीब का मकान क्यों बन गया? खुरई की सड़कें क्यों बन रही है? पानी नाली क्यों हो रहा है? नाले क्यों बन रहे? तालाब क्यों बन रहा है? किले में ऐसा क्यों हो रहा है? ये सारे काम क्यों हो रहे हैं? बीना नदी परियोजना क्यों हो रही? पानी क्यों आ रहा? खुरई में कृषि महाविद्यालय क्यों? इतनी चीजें गिनवाए। और अभी तो आज फिर मैं 10 करोड़ दे रहा हूं खुरई को, आज फिर 10 करोड़ दे रहा हूं। और जुम जितना तोड़ सकते हो तोड़ो, हम उतना ही दुगना बनाने का काम करेंगे। हम इतना दुगना विकास में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। और इसलिए सबसे मिलके एक ही आग्रह, सबको मिलके विकास के लिए काम करना है। हमारे अनेक कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं, मुझे बहुत तकलीफ है, परंतु अंत में न्याय की जीत होती है। और इसलिए हम सब सत्य और न्याय के मार्ग पर चलेंगे, विकास के मार्ग पर चलेंगे। हमारी पार्टी का संकल्प है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। आज इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सबको बहुत शुभकामना देता हूं, बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद। खुरई विधानसभा का जिस तेजी से विकास हो रहा है, उस विकास से खुरई के कांग्रेस के नेताओं को बहुत तकलीफ है। उनका बस नहीं चले, नहीं तो वो जेसीबी से सड़क उखाड़ दे। उनका बस चले तो किला गिरा दे। अब कुछ नहीं तो सेल्फी पॉइंट तोड़ दिया बच्चों का। अरे बच्चे वहां सेल्फी लेते थे, सेल्फी पॉइंट तोड़ दिया। हमने कहा तुम जितना तोड़ोगे हम उतना बनाएंगे। और इसलिए निशिकांत सीएमओ ये सुन ले कि अभी 2 सेल्फी पॉइंट बने थे, अब 10 सेल्फी पॉइंट हो रही में बने। प्रधानमंत्री की भी फोटो रहेगी, मुख्यमंत्री की भी फोटो रहेगी। यहाँ तालाब पे भी बनाओ, लोग यहाँ पर भी सेल्फी लेने आएंगे। तो गुंडे बदमाश, और कौन है गुंडे बदमाश वो आप सब जानते हो। हिस्ट्री सीटर है जिनके खिलाफ कई केस हैं, उनने तोड़ा, तोड़ने पे पुलिस ने कार्रवाई की। तो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि ये कार्रवाई गलत हुई है।
अरे भैया तुम तो आग ही लगा दो पूरी खुराई में, तुम्हें विकास से इतनी तकलीफ है। अब डोला महोत्सव था अपना, खुराई की शान है डोला महोत्सव। कांग्रेस के लोग कह रहे, कुछ नेता कह रहे कि अच्छो कोरोना आ गया, अब डोला नहीं होगा, उनको इसी की खुशी है कि डोला नहीं होगा। अरे भैया डोला होगा और अच्छा होगा, उससे अच्छा होगा। अभी 3 दिन का होता था, अब 5 दिन का होगा। और हमारे लोग कौन घंटे तक तहसील पे नहीं गए कि विवाद की स्थिति ना बने, आमने सामने ना हो, कौन घंटे तक नहीं गए। और जब कौन घंटे तक वहां के लोग, कांग्रेस के लोग और बाकी असामाजिक तत्व थे, जब वहां से नहीं हटे, तब भारतीय जनता पार्टी के लोग एसडीएम को ज्ञापन देने जा रहे थे, वहां से पथराव शुरू हो गया, कुर्सियां फेंकी, चप्पलें फेंकी, इसका पूरा वीडियो रिकॉर्ड है। अगर एक चीज भी गलत हो तो पूरी वीडियो रिकॉर्ड है। थैला में पत्थर, हाथ में लिए दिख रहे पत्थर, थैला में पत्थर, हाथ में पत्थर, बाकी सब हथियार पत्थर जो भी था सब लेके, और भाजपा के लोगों पे हमला कर दिया। हमारे लगभग 100 कार्यकर्ताओं को चोट आई है, पुलिस ने बीच बचाव किया, वो नहीं तो बड़ी घटना होती। 100 लोगों को चोट आई। हमारे अहरवार समाज के 2 पार्षद, प्रभु अहरवार और प्रभु चौधरी और विनोद राजहंस, इनके सिर फट गए। और आज उनकी जान बच गई, हमने उनको भोपाल शिफ्ट कराया, वहां बंसल अस्पताल में, अब वहां पर ठीक इलाज हुआ, तब जाके आज बेचारे वो खतरे से बाहर। 7 लोगों को फ्रैक्चर हुआ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, 100 लोग घायल हुए, बहुत से लोग तो बेचारे जिनको लाठियां पड़ी अपने घर चले गए, रिपोर्ट ही नहीं की। और कांग्रेस के लोग कह रहे कि भाजपा के लोगों ने हमला कर दिया। अरे भैया अगर हमला किया तो एक आध को चोट तो आई होती, कोई एक तो दिखा दो, झूठी खरोंच दिखा दो। एक कांग्रेसी को खरोंच नहीं आई, सिंगल कांग्रेसी, सिंगल गुंडों को खरोंच नहीं आई जो वहां पर थे। अगर भाजपा के लोगों ने किया होता तो क्या चोटें नहीं आती? कौन भर्ती हुआ अस्पताल में, किसने बताई चोटें? एक चोट बता दें और झूठ बोलने का काम करते। और एक नेताजी का हमने वीडियो पे भाषण देखा, वो अपील देखी, तो ऐसे लग रहा था कि जैसे शैतान साधु बन गया हो, जैसे शैतान साधु बनता ना भेष बदल के, ऐसा बन गया, ऐसा लग रहा था। अरे भैया इस खुरई में हालत क्या